अटेंडेंस कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट, रिप्लाई कर दीजिएगा। रोल नंबर 1। यस सर। 2। यस सर। 3। 4। प्रेजेंट सर। 5। 6। प्रेजेंट सर। 7। 8। 9। यस सर। 10। 11। प्रेजेंट सर। 12। ओके ओके, मैं तो मेरा थोड़ा। 13। यस सर। 14। प्रेजेंट सर। 15। प्रेजेंट सर। 16। 17। 18। यस सर। 19। 20। 21। 20। यस सर। 23। प्रेजेंट सर। 24। सर रोल नंबर 40 प्रेजेंट। 24 प्रेजेंट सर। 20 ठीक सर। 24 प्रेजेंट सर। 22 प्रेजेंट। 22। 25 प्रेजेंट सर। 26 यस सर। 27 28 प्रेजेंट सर। 29 30 यस सर। 31 32 प्रेजेंट सर। 33 सर। प्रेजेंट सर। 31 प्रेजेंट सर। सर हेलो। सर 31 सर प्रेजेंट सर। 34 35 प्रेजेंट सर। 36 प्रेजेंट सर। 37 प्रेजेंट सर। 38 प्रेजेंट सर। 39 प्रेजेंट सर। 40 41 42 प्रेजेंट सर। 43 44 प्रेजेंट सर। 45 प्रेजेंट सर। 46 प्रेजेंट सर। 47 प्रेजेंट सर। 48 प्रेजेंट सर। 49 प्रेजेंट सर। 50 प्रेजेंट सर। 51 प्रेजेंट सर। 52 53 54 प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। 55 प्रेजेंट सर। 56 प्रेजेंट सर। 57 प्रेजेंट सर। और किसी का अटेंडेंस नहीं हुई हो? सर रोल नंबर 27 सर। रोल नंबर 3 रुक जाइए, हम एब्सेंटी कॉल कर रहे हैं, आप लोग बता दीजिएगा। सर सर री एडमिटेड बच्चों की नहीं हुई, बताइए आप। 007 तीनों लोग हैं। आप लोग बता दीजिएगा ठीक है। जाइए अब थोड़ी देर। रोल नंबर 3 है क्लास में। यस सर प्रेजेंट। 5 यस सर।
सेवन एट टेन सर प्रेजेंट ट्वेल्व यस सर सर लेट में ज्वाइन किया है ट्वेंटी नाइन रोल नंबर 52 ठीक है बाकी सबकी लगी है अटेंडेंस सर सर एक बार रोल नंबर 41 के चेक कर लीजिए प्लीज 41 मार्क्स ये लास्ट टॉपिक बचा है ये और दो लाइन है इसको और बता देते हैं तो लास्ट में जो हमारे पास ऑपरेशंस है माइक्रोप्रोसेसर में वो है पेरिफेरल ऑपरेशंस तो पेरिफेरल ऑपरेशंस में क्या है कि जो एक्सटर्नल डिवाइसेस या जो एक्सटर्नल सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू इनिशिएटेड जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इसमें माइक्रोप्रोसेसर में एक पिन होती है रिसेट की उसमें जो सिग्नल आता है वो रिसेट करने के लिए यूज होता है तो जब ये पिन एक्टिवेटेड होती है बाई एन एक्सटर्नल की मतलब कोई एक्सटर्नल डिवाइस से कोई सिग्नल आ रहा है उसके थ्रू जब ये पिन एक्टिवेट की जाती है इट मीन्स कि ऑल द इंटरनल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड एंड द प्रोग्राम काउंटर इज क्लियर्ड प्रोग्राम काउंटर में हमने बताया कि जो प्रोग्राम का एड्रेस होता है वो सेव होता है तो ये एग्जीक्यूट कर रहा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता है फिर नेक्स्ट का स्टोर करता है तो जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है तो जैसे ही रिसेट करने की बात आती है तो वैसे ही क्या होगा जो भी इंटरनल प्रोग्राम हो रहा होगा इंटरनल ऑपरेशन हो रहा होगा जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा वो टर्मिनेट हो जाता है और प्रोग्राम काउंटर भी रिसेट हो जाता है क्योंकि अगर इसमें एड्रेस पड़ा रहेगा तो ये इंस्ट्रक्शन को कॉल करता रहेगा तो इसलिए इसको भी क्लियर कर दिया जाता है जब ये रिसेट पर कोई सिग्नल रिसीव होता है ऐसे ही एक पिन होती है इंटरप्ट की तो इंटरप्ट में क्या होता है कि वैसे तो नॉर्मली जब भी माइक्रोप्रोसेसर वर्क कर रहा होगा तो नॉर्मल मोड में वर्क करता रहता है बट कुछ इसमें इंटरप्ट पिन्स भी होती हैं कि जब कोई अदर इम्पॉर्टेंट वर्क माइक्रोप्रोसेसर के पास में आ गया तो उस केस में ये इंटरप्ट सिग्नल से जो भी प्रोग्राम करेंटली रन हो रहा होता है उसको इंटरप्ट करके उसको पॉज करके जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क आता है उस इम्पॉर्टेंट टास्क को परफॉर्म किया जाता है तो ये इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू होता है जैसे आप कोई काम कर रहे हैं जनरली कोई वर्क कर रहे हैं और बीच में कोई इम्पॉर्टेंट वर्क आ गया तो आपने क्या किया आपने करंट वर्क को छोड़ दिया अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी और उसके बाद में आप उस प्रायोरिटी वाले वर्क को पहले किया फिर आकर के वापस अपने रेगुलर वर्क में लग गए तो ये काम है इंटरप्ट का ऐसे ही एक रेडी पिन है रेडी पिन का काम क्या होता है कि अगर ये पिन लो है क्योंकि यहाँ पर माइक्रोप्रोसेसर में जो भी सिग्नल्स हैं हर एक सिग्नल को या तो हाई या तो लो सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है इनको एक्टिवेट करने के लिए क्योंकि माइक्रोप्रोसेसर आइदर जीरो और वन को ही समझता है जीरो का मतलब है लो सिग्नल और वन का मतलब है हाई सिग्नल तो जब रेडी पिन पे लो सिग्नल आता है तो इन दिस केस माइक्रोप्रोसेसर वेटिंग स्टेट में पहुँच जाता है और वो वेट करने लगता है कि कोई अदर सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर वर्क करता है तो रेडी सिग्नल में लो सिग्नल आते ही माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है नेक्स्ट फिर एक होल्ड सिग्नल है जब होल्ड पिन एक्टिवेट होती है तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है
जो भी बसेस जितनी भी हैं, उन बसेस पर माइक्रोप्रोसेसर का जो कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को ये होल्ड कर लेता है, और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं उनको एक तरह से पावर दे देता है कि एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो बसेस को यूज कर सकती हैं। तो फॉर दैट टाइम पीरियड, जब तक के लिए ये होल्ड सिग्नल रहता है, फॉर दैट टाइम पीरियड माइक्रोप्रोसेसर होल्ड पर पहुंच जाता है, होल्ड पर चला जाता है। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं जो कि पेरिफेरल ऑपरेशंस में आते हैं। कुछ आप लोगों को पूछना हो आज के लेक्चर में तो पूछ लीजिए। सर रोल नंबर 20 आप प्रेजेंट लगा है सर? हाँ ये ठीक है सर, उस समय नेटवर्क एरर हो गया था। कोई बात नहीं सर, ये नोट्स डाल दीजिएगा क्लासरूम पे। नोट्स डाल देंगे बच्चा, अभी हमें टाइम नहीं मिला है, अभी आज भी लंच के बाद भी जो है तीनों लेक्चर्स लगे हुए हैं, तो हमें आज भी टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कल टाइम मिल जाएगा तो कल डाल देंगे। ओके सर। कहीं कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही हो आप लोगों को? तो इनकेस क्वेरीज नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास, और जिसकी क्वेरी हो वो रुक जाए, अभी हम वेट कर रहे हैं 2-3 मिनट और। सर वो जो टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर है उसमें खाली नाम याद कर ले, मतलब कि एग्जाम में वो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन तो पूछेगा सर वो? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं आता, टाइप ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कभी आया भी नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर आता है तो इवोल्यूशन पर आता है, तो इवोल्यूशन के लिए आप टेबल जरूर पढ़ लीजिएगा। टाइप्स में नहीं आता है क्वेश्चन, इसीलिए हम कह रहे हैं उनकी हेडिंग्स पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या हेडिंग्स हैं, और एक एक दो दो लाइन्स देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर।